Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. परेशानी ये हो रही है कि पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना की आड़ के अंदर गरीब आदमी जो है उसका चलना फिरना दुबर हो गया. वो बेचारा कम से कम घर से निकलता था तो आस लगा के निकलता था. अब जो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं इस भाजपा की सरकार के अंदर, तो अब गरीब आदमी का तो निकलना भी भारी हो गया. और फिर वो जब निकलता है तो बेचारा चारों जेब को देखता है कि मैं मेरे बच्चों का खर्चा करूं या मैं जो है पेट्रोल का पैसा निकालूं, क्या करूं. ऑटो वाले, रिक्शा वाले, जो गंजर बस्ती के, सासी बस्ती के जो भी लोग हैं बेचारे गरीब लोग, उनके लिए तो परेशानी हो गई है. निकलना दोबारा हो गया पेट्रोल की महंगाई की तरफ से. चाइना की आड़ में चाइना कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं. कुछ नहीं है, जनता बहुत परेशान हो चुकी है. कोरोना से तो हो ही गई थी, मगर अभी पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहा है उससे जो गरीब लोग घर से निकलते थे कुछ सौदा खरीदने के लिए, सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, अब वो भी जाम वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे बेचारे, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गए हैं. इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप देखिए गरीब हमारे, हम गरीबों की तरफ देखिए. हम गरीबों की तरफ देख कर आप जो है हमारा ख्याल रखिए कि पूरी जनता किस तरीके से परेशान हो रही है. प्रधानमंत्री साहब तो कह रहे हैं, मोदी साहब तो कह रहे हैं चाइना 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 चाइना, क्या है चाइना. पहले तो हमारे देश की जो जो गरीब गुर्बत है, गरीबी है, उसको तो दूर करो. ठीक है, क्या मेरा नाम सलीम चिश्ती सलीम बना. अजी पिछले 15 दिन से ये पेट्रोल रोज़ बढ़ रहा है और आज बढ़ते बढ़ते ये 12-13 रुपए लीटर महंगा हो गया है. पर जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं, चाइना 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 कर करके जनता का ध्यान मतलब बता दिया इन्होंने और पेट्रोल की तरफ कोई किसी का ध्यान जा नहीं रहा है. और आम आदमी की जो जरूरत की चीज़ है रोज डेली की, जो मतलब रोज जरूरत पेट्रोल भराना पड़ता है, उसकी तरफ बेचारों का ध्यान जा नहीं रहा. जब उनसे पैसे निकलते हैं उनके जेब से, जब उनको याद आता है, पर आज स्थिति ये है कि लोग ट्राई कर रहे हैं कि पेट्रोल पेट्रोल कम पेट्रोल कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है. तो इसलिए हम तो ये कहेंगे कि ये सरकार जो है इतनी निकम्मी है कि जिसकी कोई हद नहीं. 5 पैसे बढ़ते थे तो ये उधम मचा देते थे ये लोग, और आज 2-2 रुपये, 1-1 रुपये, 50-50 पैसे रोज़ बढ़ रहे हैं, जो इनका मतलब इनको बिल्कुल असर नहीं हो रहा है इनको. आपका नाम? शमसुद्दीन. अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार के अंदर जो कच्चे तेलों की कीमत बहुत ही कम होती आ रही है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस गहरी निंद्रा के अंदर सो रहे हैं. आज देखो रेगुलर 18 दिन के अंदर कम से कम 10-15 रुपए पेट्रोल के बढ़ गए हैं. यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष के अंदर हुआ करती थी तो 1 रुपया अगर 6 महीने में बढ़ता था तो बैलगाड़ियों के ऊपर लेकर के बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करते थे, इसके ऊपर एक दिन ये भारत देश बंद कराया था. परंतु दुर्भाग्य की बात है आज मोदी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, आम जनता की कमर टूट गई है. आप कोई सा भी उठा के देख लो, आज अगर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं तो ट्रक का माल भाड़ा बढ़ता है, टेम्पो किराया बढ़ता है, आम आदमी के कमर के ऊपर इसको बहुत बड़ा असर पड़ता है. माननीय मोदी जी आपसे निवेदन है इस ओर ध्यान दीजिए. आम जनता 4 महीने से भी वैसे धंधे पानी से बिल्कुल त्रस्त थी, उनका 1 पैसा धंधा नहीं है, परंतु आप इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हो. आप इसका भाव कम कीजिए, हमारी यही मांग है उनसे. शैलेश गुप्ता.